हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल 2020, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका ऑक्शन हमें देखने को मिलने वाला है 19 दिसंबर को कोलकाता में। तो गाइस, इसी के रिगार्डिंग यहां पर सारे प्लेयर्स ने अपना नाम दे दिया है, जिसमें कि टोटल 971 खिलाड़ियों ने ऑक्शन के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें से 713 इंडियन प्लेयर्स हैं और 258 फॉरन प्लेयर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो टॉप के प्लेयर्स हैं, जिन पर आप सबकी नज़रें रहने वाली है ऑक्शन में, उन सबका बेस प्राइस कितना है और यहाँ पर कितने से उनके लिए नीलामी स्टार्ट होगी। इसके साथ ही कौन कौन से बड़े प्लेयर ऑक्शन पूल में आ रहे हैं, यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब यहां पर इस वीडियो में जितने भी प्लेयर्स ऑक्शन में आ रहे हैं, उनको हम दो टायर्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की जिनका जो बेस प्राइस है वो यहां पर रखा गया है 2 करोड़ रुपए, और दूसरे टायर में हम उन प्लेयर्स की बात करेंगे जिनका बेस प्राइस नीलामी के लिए यहां पर 1.5 करोड़ रुपए रखा गया है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं वो खिलाड़ी जिनकी जो ऑक्शन नीलामी में जो यहां पर 2 करोड़ रुपए से शुरुआत करेंगे। उनमें सबसे पहले नाम आता है पैट कमिंस का, उनके साथ जॉस हेजलवुड, क्रिस लिन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, डेल स्टेन और एंजेलो मैथ्यूज। तो ये वो बड़े बड़े नाम है जिसको आप लोग सुनना चाहते थे, और ये सबका प्राइस यहां पर रखा गया है 2 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं 1.5 करोड़ रुपए वाले प्लेयर्स की, जिसमें कि रॉबिन ओथप्पा, उनके साथ सॉन मार्श, उनके साथ केन रिचर्डसन, ओयन मॉर्गन, जेसन रॉय, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही क्रिस वोक्स, डेविड विली, क्रिस मॉरिस के साथ काइल बोर्ड, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। तो इन सब का यहां पर प्राइस रखा गया है 1.5 करोड़ रुपए। तो ये मैंने आपको बता दिया वो बड़े-बड़े प्लेयर्स और उनका प्राइस कितना है, उनकी नीलामी कितने से स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यहां पर मिचेल स्टार्क को आईपीएल नीलामी में यहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अलाउड ही नहीं किया, और उसका रीजन यही है कि टेस्ट मैच में वो ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और उनको पता है कि अगर यहां पर आईपीएल के दौरान मिचेल स्टार्क को कोई इंजरी हो जाती है तो उससे ऑस्ट्रेलिया को काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टार्क इस बार की नीलामी में हमें देखने को नहीं मिलने वाले, और ये सारे प्लेयर्स का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से मिचेल स्टार्क के ना आने की वजह से कौन सा वो प्लेयर है जिसको सबसे ज्यादा बिडिंग मिल सकती है इस नीलामी में। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।